Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from Mariam. खबर है कि लाहौर में मेहदी हसन के रूहानी शागिर्दों ने दोबारा डेरे जमा लिए. क्या बात है माशाल्लाह. वैसे यार आप लोग बड़े पॉपुलर हो गए हैं देखते ही देखते. मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा हूँ. भाई के बारे में आपका क्या ख्याल. मैं समझता हूँ उसका बड़ा मैजिक है. भाई असल में ब्लैक मैजिक है. ये कई दफा बकरी भी बन जाते हैं. यकीन करें मैं जब घर से निकलता हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं. भाई की छोटी सी पूछल भी है. क्या है पूछल. दुम नहीं होती दुम. मैं मज़ाहिरे कुदरत को देखता रहता हूँ. भाई शुतर मुर्ख से बड़े मुतासिर हैं. भाई कुदरती फनकार हैं. भाई जैसा फनकार कम ही पैदा होता है. ये भी बड़ी मुश्किल से पैदा हुए. ये भाई पैदा किस तरह हुए ने? अचानक. ओए अचानक दिया पुत्र. हर घर कह दी बार नहीं करी दी. अच्छा लगता है कि दूसरे छेड़ डाले. ये आपने इतने खट्टे मीठे कुर्ते क्यों पहने हुए? जिंदगी रंगीन है और बंदे को रंगों में ही रहना चाहिए. भाई रंग का काम भी करते रहे. देखो अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो इनको कुछ सुनाए. जी ये गजल पेश खिदमत है. जी अता कीजिए. छोला बात है खान साहब. जो जहर जो जहर. ये जो गजल आपने ये जो गजल आपने तबाह की है. सर तुसी क्यों बेच बोल दे हो? यार मैं अब दाद भी ना दूं. लेकिन इस गजल का भी एक बैकग्राउंड है कि एक दफा हम उस्ताद मोहतरम के सामने ये गजल गुनगुना रहे थे. उन्होंने हमें बड़ा मारा. क्यों मारा क्यों? वो समझे कि भाई मुंह चढ़ा रहा है. ये तुमसे कितने बड़े हैं? भाई मुझसे बहुत बड़े हैं. काफी बड़े जी. बल्कि ये तो अब्बा जी से भी बड़े हैं. सिंगर ऐसे नहीं बनता आफ्ताब साहब. अच्छा ये बड़े सबर का काम है. सुबह सुबह उठना पड़ता है. वॉक करना पड़ती है. रियाज करना पड़ता है. आवाज लगाना पड़ती है. सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? भाई सुबह सुबह उठ के फ्रूट चोरी करते हैं. क्या करते हैं? फ्रूट चोरी करते हैं. ये भी एक एक्सरसाइज है. डाइट भी अच्छी और जॉग मुफ्त में. जॉग कैसे मुफ्त में? असल पीछे दुकानदार लगे होंगे. आप साहब पहनना और खाना हर किसी को नहीं आता. और भाई को तो बिल्कुल नहीं आता. एक गारा पेशे खिदमत है. ये हमारे साथ होते हैं अक्सर फंक्शनों में. अच्छा हमारे दोस्त हैं. कभी कभार हम इनसे भी कराया ले लेते हैं. जी अता कीजिए. कैसा है गम तेरा नाले देंगे हम तेरे प्यार में इल्जाम. नाले देंगे कैसा है गम में. वाह क्या बात है. क्या बात है. दाद दे दे भाई को अंतरा नहीं आता इसका. भाई जब गाना गाते हैं तो एक समा बन जाता है. जंगल में अक्सर जाके गाते हैं. कभी पानी में खड़े होकर रियाज किए? भाई तो चिकड़ में भी रियाज कर लेते हैं. भाई एक दफा रियाज करते करते दरख्त की चोटी पे चढ़ गए. क्यों भाई बंदर है क्या? जी हम आपको ऐसा यादगार गीत सुनाते हैं. इसके बाद भाई अंदर हो गए थे. क्या हो गए थे? अंदर हो गए. क्यों? इन्होंने तबले वाले के पैसे निकाल लिए. यार तबले वाले को तो माफ कर दिया करो. हमारी अखलाक यार दुरुस्त मत करो. कुछ सुनना है तो बताओ. हाँ जी सुनना है सुनना है. जरा उठा के अच्छा जी इस मर्तबा जब मैं दाद दूं क्योंकि बहुत शानदार गाना है प्लीज रुकना नहीं आपने.
से बदल गया वो निगाहें क्या हुआ जिंदा है कितने लोग मोहब्बत के ठहर के बैकग्राउंड है। मैंने मना किया था बैकग्राउंड, मैंने कहा था कि आपने रोकना नहीं है भाई, असल में ऑटो सेटिंग पे लगे हुए हैं, यानी खुद ब खुद रुक जाते हैं। यार कमाल है। अच्छा तुम पता है तोड़े चलावाने ने कोई भी नहीं बुलाऊंगा। अच्छा ये आपका जो छोटा भाई है जी, ये हर सुर पे हर ताल पे नाचने क्यों लग जाता है? पहले मौत के खूह काम करता सी। कहाँ पे? मौत के खूह। और अब क्या कर रहा है? हूं भी उथे कुटी सी नहीं लग गया भाई, असल में बहुत बड़ी खच है भाई, माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं। बॉडी बिल्डिंग भाई ने एक दफा डंबल उठा लिया चोरी, फिर जिम वाले ने फड़ के फिर ओ मारिया 3-4 घंटे भाई को बांधे रखा। भाई को अक्सर औकात लोग बांध देते, एक साल गिरा पे भी भाई को बांध दिया। क्यों? अच्छा भाई ने जो बुलाने ना रस्सा भी रख दे रहे? रस्सा भाई ने अपना रखा हुआ है। असल में बात यह है कि जब बातें खुल ही गई हैं, तो फिर भाई शिकार बहुत अच्छा खेलते हैं। शिकार तो मेरी हॉबी है भाई, ईंट से मुर्गा भी हम हारता है। वो कैसे भाई? मुर्गा भी फड़के हो दे उतने ईंट मार दे भाई, आज भी पत्थर के जमाने में रहता है, यही वजह है कि इसकी शक्ल पत्थर के इंसान जैसी। पत्थर का इंसान वो कौन? जो पहले नैनन थर्स थे ना। अच्छा। उनसे भी पहले का इंसान। वो कौन सा? जो यू करके चलते थे। अच्छा। बांदर तो अभी 2 मिनट होते थे। अच्छा लगता है पाई वेचन आया है। हम एक दफा नारोवाल शिकार पे गए। अच्छा। मग भाई ने चौक के ले गया, बाइक उठा के ले गया, और जब काफी ऊंचाई पे गया तो मग दा ध्यान भाई अल प्या चीख निकल गई भाई की, मग की। तो बात शिकार की हो रही थी, भाई बचपन से ही शिकारी है बहुत ज्यादा। मैं तो अपने दादा की दुनाड़ी बंदूक लेके नालियां खड़ता रहे। हमारे दादा बहुत बड़े शिकारी थे। अच्छा। भाई को भी उन्होंने शिकार किया था। क्या किया था भाई? बचपन में बुलबुल होते थे सब, तो आजकल कहीं शिकार पे नहीं जा रहे आप? अब तो कोई शिकार घर पे ही आ जाए तो कर लेते हैं। ना वो शिकार रहे ना वो फुराके रहे। वैसे मैं गाड़ी को कोई कंट्रोल नहीं करता भाई। एक दफा जंगल में शिकार कर रहे थे। अच्छा। ऊपर से पुलिस आ गई। क्या पुलिस क्यों आ गई जंगल? मैंने पहले बताया है भाई, एक मनहूस आदमी। इस दफा क्या हुआ भाई? असल में उधर चला गया जहाँ कतरी शहजादा शिकार कर रहा था। अच्छा। भाई ने फिर कतरी शहजादे की मदद की। अच्छा। भाई उकाब भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। भाई कतरी शहजादे के बाजू पे बैठ गया, शहजादा शिकार करने की बजाय झुकता करने लग गया। शहजादे ने क्या भाई ने देख के, तू बाहर देख के बांधे रहे? भाई ने कहा मैं बांध रहा। भाई हर जुगत से रिएक्ट भी बहुत अच्छा कर दस। भाई ने शहजादे ने 2-3 अरेंज भी की। कतरी शहजादे ने फिर भाई ने क्या तू सानू खुश किया है, मंग की मंगना है? भाई ने क्या खत सानू भी दे दे। बाजू पे बैठ के भाई ने फिर ये गजल पेश की, शिकवा न कर गिला न कर, शिकवा न कर गिला न कर, शिकवा न कर गिला न कर, अगे भी बोलने
सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हो रे माही किथे रह गया जे तू फड़ लवे बाह तू फड़ लवे बाह क्या हो गया तुझे अखियां सामने भी दिल दे विच कूड़ा कुलिया ते दिलना तेरी ना किरवे अब के हम बिछड़े तो शायद यार ये कैसी हमाकत है उसने एक लगाई है तुम्हारी ड्राइंग हिल गई तुम मैडम के गाने गाने लगे हो शुक्र करें अभी मैंने रजब अली साहब को नहीं वो भी आला लोग है तकरीबन भाई ने बड़ी रियाजत की है अच्छा। भाई अपने रियाज में इतने मगन हो जाते हैं कि अमूमन दूसरे प्लेनेट का चक्कर भी लगाते हैं दूसरे प्लेनेट का मरीख चांद नेपच्यून ये मुंह भाई का नेपच्यून जाके हुआ मैं चूंकि शायरी भी करता हूँ भाई रंग भी करता है कटिंग बहुत अच्छी करता है आफ्ताब साहब बैरूने मुल्क तो हमने बहुत प्रोग्राम किए मगर हमने अंदरूने मुल्क भी किए अच्छा बहुत शहरों में एक गांव में हमने फंक्शन किया इतना यादगार वो फंक्शन था अभी फंक्शन शुरू ही हुआ है तो एक संडा कहीं से खुल गया पूरी दुनिया दौड़ गई जिसने हमें बुलाया था वो भी दौड़ गया मैं भी दौड़ गया भाई अकेला गाई जा रहा है और संडा बैठ के सुन रहा है अच्छा यार बात कर रहे तो भाई साहब को बोल रहे तो तुम आज बहुत बोलते जा रहे हो जी आप बात कर रहे मैं ये पूछना चाहता था ये पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है भाई असल में पेट्रोल पीता है क्यों पीता क्यों है भाई यार वो पागल है जी क्या जमाना था क्या टाइम था कि हमारे फैंस इतने ला तादाद वो तो मेरी गाड़ी नहीं जाने देते थे वो क्यों वो कहते थे पहले पार्किंग दे पैसे दे नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर